गाइस, जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट करी तो मैंने सबसे पहले जो अपना कैमरा ख़रीदा वो निकॉन D5200 ख़रीदा, यानी कि निकॉन का 5000 सीरीज़ का जो कैमरा है। सो गाइस, अब मेरे से कोई भी फोटोग्राफर पूछता है, मतलब जो बिगिनर है, जो कैमरा परचेज़ करने वाला है, तो मैं उसको स्ट्रांगली मना कर देता हूँ कि भाई तुम मिररलेस कैमरा मत ख़रीदो। वो कहते हैं कि सचिन भाई, आपने तो मिररलेस ख़रीद रखे है, सोनी भी आपके पास मिररलेस है, और आपने जो फूजी फिल्म लिया है वो भी मिररलेस है, तो आप हमें क्यों मना कर रहे हो? तो गाइस, इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ कि मैं जो भी बिगनर्स हैं उनको मैं मना क्यों कर रहा हूँ मिररलेस कैमरे खरीदने के लिए। सो गाइस, पहले तो सबसे थैंक यू सो मच कि आप सब मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, और जो भी आपको पसंद आती है तो उन्हें शेयर करते रहिए, क्योंकि बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। जैसा हमारा टारगेट है कि मार्च तक 1000 सब्सक्राइबर का, तो देखते हैं, मे बी हो ना हो, मतलब अगर आप चाहेंगे तो हो सकता है हो जाए। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो विदाउट टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, ध्यान से सुनिए, मैं मिररलेस परचेज करने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ बिगनर्स को, जिसका भी वो फर्स्ट कैमरा है। सो गाइस, जब भी हम अपना फर्स्ट कैमरा परचेज करते हैं तो हमारा ये रहता है सबसे पहला पॉइंट कि हम ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें, यानी कि हमारा अमाउंट जो है 40 से 50 हज़ार के उसमें रहता है। तो गाइज, आप अगर 40 से 50 हज़ार के अराउंड का जो भी कैमरा परचेज़ करेंगे मिररलेस में, तो उसका जो क्वालिटी है, मतलब उसका जो बैटरी का क्वालिटी है, वो इतना अच्छा नहीं होता है। यानी कि मिररलेस की बैटरी, ये ट्रुथ है कि बहुत जल्दी जो है वो डाउन हो जाती है, ठीक है? तो खुद से होता क्या है कि आप बहुत सोच समझ के, मतलब अरे यार, मतलब क्योंकि पहले यूज़ करने लगते हो, क्योंकि जब भी हमारा फर्स्ट कैमरा होता है तो हम एक्साइटेड होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उसे, बहुत शूट करते हैं। सो गाइज, अगर आपने अपना पहला कैमरा ही मिररलेस ले लिया तो उसकी बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी डाउन हुआ करेगी, जिसकी वजह से आपको बार बार चार्ज करना पड़ेगा। आपको टेंशन है कि यार इसको चार्ज करना है, दो बैटरी, तीन बैटरी, चार बैटरी परचेज़ करनी पड़ रही है। जो हमारे DSLR हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। DSLR की बैटरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, चाहे वो नाइकॉन हो चाहे कैनन हो, दोनों में जो भी है, मतलब जो भी DSLR हैं, तो उनकी बैटरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आप लंबे टाइम तक शूट कर सकते हैं उनके साथ। और गाइज, मतलब कहीं ना कहीं आपको मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा डेलीगेट भी लगता है मुझे मिररलेस हल्का सा, बट जो निकॉन है वो, मतलब निकॉन या कैनन जो भी है, मतलब जो DSLR है वो काफ़ी थोड़ा, मतलब स्ट्रांग मुझे लगता है, मतलब पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है। ये गाइज, मेरी सारी वीडियो बहुत पर्सनल होती है कि मतलब मेरे को क्या लगता है मैं वो बताता हूँ उस वीडियो के अंदर। सो गाइज, इसलिए मैं आप सबको मना करूँगा कि अगर आप पहला कैमरा परचेज़ कर रहे हैं तो आप मिररलेस पे ना जाएं, आप DSLR ही परचेज़ करें, कोई भी 30, 40, 50 हज़ार जो भी आपका बजट है उसमें, क्योंकि मिररलेस में कहीं ना कहीं बैटरी का इशू है, और इस तरीके का सबसे मेन बैटरी का इशू है, क्योंकि यार आप खींच रहे हो, आपकी बैटरी डाउन जा रही है बार बार, और एज ए बिगनर आपको इतना पता भी नहीं उसकी सेटिंग्स का, वो भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, आप ज़्यादा यूज़ करोगे, और ज़्यादा यूज़ करोगे फिर आपको ज़्यादा बैटरी परचेज़ करनी पड़ेंगी। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि भैया, पहले अगर आप परचेज़ कर रहे हो सबसे पहला कैमरा, तो आप एक DSLR परचेज़ करें, और मिररलेस आप 2-3 साल बाद अगर स्विच करना चाहते हैं, जैसे मैंने स्विच किया है, आप सब स्विच कर सकते हैं। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएं मेरा वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी बिगनर्स हैं, जो भी परचेज़ करने की सोच रहे हैं कैमरा इन फ्यूचर। और गाइज, मेरी वीडियो को, मतलब शेयर करें, क्योंकि हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, वो हमें कंप्लीट करना है। सो गाइज, थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।